हाय एवरीवन स्वागत है आपका सुषमा का तरका में बस तीन सामानों से झटपट से घर में बनाएंगे केक न गैस जलाने की झंझट ना आवन की टेंशन न खर्चे की बस बीस रुपए में बहुत ही बढ़िया केक बना कर के तैयार कर लेंगे तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले केक बनाने के लिए मुझे चाहिए दो ओरियो बिस्किट मैंने पाँच पाँच रुपये वाली दो ओरियो बिस्किट लिया है और यहीं पर मैंने ले लिया है पाँच स्लाइसिस ब्रेड के आप चाहे तो यहाँ ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है और यहीं पे मैंने ले लिया दस रुपये वाली डेरी मिल्क और किसी भी सामान की आवश्यकता नहीं है ब्रेड के स्लाइसेस को मैं कटोरी की सहायता से राउंड शेप में काट दूंगी इस तरीके से मैं इसे प्रेस करते हुए इसे काट देती हूँ इस तरीके से मैंने काट लिया है इसी तरीके से मैं पाँचों ब्रेड को काट के तैयार कर लूँगी अब ओरियो बिस्किट के पैकेट को खोल लेती हूँ मैंने दोनों पैकेट को खोल लिया है आप चाहे तो यहाँ दस वाली एक पैकेट ले सकते हैं मैंने पाँच रुपये वाली दो बिस्किट के पैकेट को लिया है मैंने दोनों बिस्किट को अलग कर दिया और उसकी क्रीम को भी अलग कर दिया क्रीम वेस्ट नहीं जाएगी वो डेकोरेशन के काम में आ जाएगी इसलिए उसे बहुत ही अच्छे से निकालें वो टूटने नहीं चाहिए इतने अच्छे से उसे निकाल लें अब बिस्किट को मैं ग्राइंडर जार में डाल देती हूँ और उसका एक बहुत ही फ़ाइन पाउडर तैयार कर लूँगी जब ये बहुत फाइन पाउडर तैयार हो जाए तो उसमें एक बार में बहुत अधिक दूध नहीं डालना है दो से तीन चम्मच दूध ऐड करके उसका एक बहुत ही फाइन बैटर तैयार करना है बहुत ही अच्छा एक बैटर तैयार कर लूँगी बहुत स्मूथ सा मैंने बैटर तैयार करके इसे रख लिया बहुत अधिक पतला नहीं करना है थोड़ी थिक रखनी है अब इधर पर शुगर सिरप में तैयार कर लेती हूँ शुगर सिरप के लिए मैंने हाफ कटोरी पानी लिया है उसमें एक टी चीनी ऐड करके उसको मैंने अच्छे से घोल लिया शुगर सिरप तैयार हो गया अब ये ओरियो बिस्किट की जो बैटर है उसको मैंने प्लेट में लगा दिया है और उसके ऊपर एक ब्रेड के स्लाइसेस को रख दिया है ताकि ब्रेड जो है वो वहाँ से खिसके नहीं जब केक बने तो वो वो एक जगह पे बनी रहे अब उसके ऊपर मैंने शुगर सिरप लगा दिया है इसे अच्छे से शुगर सिरप से लगा दें उसके ऊपर ओरियो बिस्किट का बैटर उसे अच्छे से मैं फैला दूँगी इस तरीके से सारे बैटर को मैंने फैला दिया उसके ऊपर मैंने दूसरा ब्रेड के स्लाइस को रख दिया उसके ऊपर फिर से शुगर सिरप ऐड कर दिया अच्छे से शुगर सिरप को लगा दूँगी और उसके ऊपर फिर से ओरियो बिस्किट के बैटर को अच्छे से लगा दूँगी इसी तरीके से मैं सारे पाँचों ब्रेड के स्लाइसेस को असेंबल करती जाऊँगी आप चाहें तो यहाँ ब्रेड के स्लाइसिस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको इसकी ऊंचाई ज़्यादा रखनी है तो आप और ब्रेड के स्लाइसिस को बढ़ा सकते हैं या कम करनी है तो आप उसे घटा भी सकते हैं बिल्कुल आपकी चॉइस है इस तरीके से मैं पांचों ब्रेड के स्लाइसिस को असेंबल कर दिया अब इसके ऊपर मैंने जो बची हुई बैटर है ओरियो बिस्किट की उसे मैं ऐड कर दे रही हूँ और उसे अच्छे से स्पेचुला की सहायता से चारों तरफ फैला दूँगी बिल्कुल स्मूथ सा एक जैसा फैलाएं तभी इसकी लुक बिल्कुल परफेक्ट मार्केट जैसी आएगी बहुत ही अच्छे से मैंने ऊपर से चारों तरफ से फैला दिया है अब इस की सहायता से मैं इसे साइड साइड से भी अच्छे से कवर कर दूंगी चारों तरफ से मैंने कवर कर दिया और इसे टैप करके जो एक्स्ट्रा बैटर है उसे बैलेंस कर दे रही हूँ अब ये प्लेट थोड़ी सी गंदी हो गई है इसे मैं किचन टावल से साफ़ कर देती हूँ बिल्कुल अच्छे से चारों तरफ से मैंने इसे कवर कर दिया है अब इसे अब इसे सेट होने के लिए पंद्रह मिनट फ्रिज में रख दूँगी इधर मैंने डेरी मिल्क को भी फ्रिज से निकाल लिया है और उसे अच्छे से ग्रेटर से ग्रेट कर दूँगी ताकि वो अच्छे से इसको मैं केक को डेकोरेट कर दूँ उसे सेट होते हुए केक को भी पंद्रह मिनट हो चुके हैं अब इसे डेकोरेट कर देते हैं तो इसके ऊपर मैंने डेरी मिल्क के को जो ग्रेट करके रखा था उसे मैं अच्छे से इसे फैला दे रही हूँ बहुत अधिक टाइम नहीं लगाना है इसमें क्योंकि डेरी मिल्क पिघलने लगती है तो मैं उसे अच्छे से मैंने चारों तरफ फैला दिया है अब इसपेचूला की सहायता से मैंने उसे साइड में भी कवर कर दिया है अच्छे से डेरी मिल को साइड में लगा के अब जो बचे हुए प्लेट में जो गिरी हुई थी उसे मैंने किचन टावल से क्लीन कर दिया अब जो ओरियो बिस्किट की क्रीम थी उससे डेकोरेट कर देते हैं उसे राउंड ऐसे हाथों से मैंने राउंड किया और उसे बीच से आधे से मैंने कट कर दिया और उसे रोज की तरह मैंने इसमें डेकोरेट कर दिया इसी तरीके से आप किसी भी डिज़ाइन में आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं अब मेरे पास कुछ जेम्स पड़ी हुई थी तो मैं उस जेम्स से इसमें डेकोरेट कर देती हूँ आप चाहे तो यहाँ स्ट्रॉबेरी या चेरी भी लगा के इसे सजा सकते हैं आप अपने हिसाब से इसे किसी भी तरीके से सजा सकते हैं मैं इसमें कुछ जेम्स और लगा देती हूँ ताकि ये बहुत ही अट्रैक्टिव दिखे ये बिल्कुल अच्छे से मैंने तैयार कर दिया है इस तरीके से आप घर में बहुत ही आसानी से और बहुत कम खर्च में केक बना के तैयार कर सकते हैं किसी को सरप्राइज़ देनी हो या बर्थडे पार्टी हो या एनिवर्सरी हो आप किसी भी मौके पे इस तरीके से घर में बहुत ही शानदार केक बना के तैयार कर सकते हैं बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आती है तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो मुझे लाइक करे कमेंट करे और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी के साथ शेयर करें तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय